नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर आपके क्रिकेट मूड चैनल में। तो दोस्तों मैं हूं कुणाल। तो आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा TSL मुकाबले के बारे में। तो दोस्तों ये मैच आपका 19 फरवरी को रविवार को मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में होगा। दोस्तों शुरुआत करते हैं वेन्यू के एनालिसिस से। तो तीन मुकाबले इस सीजन में मुल्तान स्टेडियम में खेले गए। दो मैचेस पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम ने जीते हैं, तो वहीं दूसरा मुकाबला सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहा है। हाईएस्ट स्कोर मुल्तान का रहा है, तो वहीं लोवेस्ट स्कोर क्वेटा ग्लेडिएटर्स का रहा है, जिन्होंने 110 रन की पारी में 10 विकेट दिए। वैसे बॉलर्स की प्रदर्शन की बात की जाए तो तीन मुकाबलों में बॉलर्स ने 33 विकेट चटकाए हैं, जिसमें 29 विकेट पेसर्स के नाम हुए हैं, तो 6 विकेट स्पिनर्स के नाम रहे हैं। और दोस्तों अगर हम लास्ट 5 मुकाबले की बात करें तो मुल्तान सुल्तान 3 मैच जीती हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम 2 ही मैच रहे हैं। यहाँ पर भी मुल्तान सुल्तान का पल्ला भारी नजर आता है। तो दोस्तों ये अभी तक तो बात हुई पिच रिपोर्ट की करंट कंडीशन में, तो आइए नजर डालते हैं मुल्तान सुल्तान की प्रोबेबल 11 की टीम के बारे में। दोस्तों पहले नाम आता है शान मसूद का, उसके बाद मोहम्मद रिजवान, फिर आते हैं रिले रोसू, उसके बाद आते हैं डेविड मिलर, उसके बाद आते हैं किरण पोलार्ड, उसके बाद आते हैं खुशदिल शाह, कार्लोस ब्रैथवेट और उसामा मिर, और इसके बाद आते हैं अब्बास अफरीदी साथ समीन गुल और इंसा मुल्ला। तो दोस्तों यही सारे प्लेयर खेलते नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो टीम का टॉप ऑर्डर काफ़ी मजबूत है, क्योंकि उसमें मोहम्मद रिजवान नज़र दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने 3 मैच में 159 रन की पारी खेली है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद नाम आता है रिले रोसू का, जिन्होंने 2 मैचेस में 153 रन की पारी खेली है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बॉलर्स की, तो नाम आता है सबसे पहले बॉलर्स में ईशान उल्लाह का, जिन्होंने 3 मैचेस में 10 विकेट दिए हैं। तो वहीं दोस्तों इसके बाद नाम आता है उस्मान मिर का, जिन्होंने 3 मैचेस में 6 विकेट चटकाए हैं। वहीं अब्बास अफरीदी ने 2 मैचेस में 4 विकेट चटकाए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो बात हुई मुल्तान सुल्तान की तरफ। अब हम बात करते हैं इस्लामा यूनाइटेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेइंग 11 में नज़र आते हैं हसन नवाज, पॉल स्टर्लिंग, कॉलिन मुर्लो, सीन बर देर हुसैन, सादाब खान, अजम खान, आसिफ अली, फहीम अशरफ, टॉम करन, मोहम्मद वसीम जूनियर एंड मान रईस, यही सारे खिलाड़ी इस टीम में जुड़े हुए हैं। दोस्तों टीम के मिडिल ऑर्डर की बात करी जाए तो कॉलिन मुर्लो ने कराची किंग्स के खिलाफ 58 रन की पारी खेली थी, वहीं आजम खान ने 44 रन की पारी खेली थी। तो दोस्तों ये तो है वो बल्लेबाज जिन पर हम कर सकते हैं भरोसा। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आते हैं बॉलर्स। बॉलर्स की बात की जाए तो सबसे पहले नाम आता है टॉम करन का, जिन्होंने कराची किंग्स के खिलाफ 2 विकेट दिए थे। उसके बाद नाम आता है मोहम्मद वसीम जूनियर का, जिन्होंने कराची के खिलाफ 2 विकेट चटकाए थे। और दोस्तों बता दें रुमान रईस भी विकेट चटकाने में कामयाब रहे, इन्होंने कराची किंग्स के खिलाफ 2 विकेट चटकाए। तो दोस्तों बॉलिंग अटैक तो काफ़ी डिसेंट दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों ये रही इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेइंग 11 की टीम। तो आपके हिसाब से कौन सी टीम मैच को ले जाएगी और कौन सी रह जाएगी? तो दोस्तों इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।